दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज आप कार्यकर्ताओं ने पीले रंग की टी शर्ट पहनकर सदन और सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जहां एक और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को साफ सुथरी छवि वाला मुख्यमंत्री बता रही है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता उसके इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल मचा रहे हैं। इस सबके बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी स्मिता केजरीवाल ने लाइव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केजरीवाल कल 28 मार्च को कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे और सारे देश के सामने सच को लाएंगे। स्मिता केजरीवाल ने कहा कि कथित घोटाले में ईडी पिछले 2 साल से छापेमारी कर रही है, लेकिन इस घोटाले में एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ है, ना ही मनीष सिसोदिया से, ना संजय सिंह से, और मुख्यमंत्री आवास से तो मात्र 73,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।